अंडर 19 कोच के तौर पर जो उनकी तारीफ करते थे वो भी अब कोच राहुल द्रविड़ को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। पूरे करियर में जिन्होंने 25 से अधिक टेस्ट मैच नहीं खेले वो भी आज 164 टेस्ट खेल चुके द वॉल को कोचिंग के पाठ पढ़ा रहे हैं। राहुल द्रविड़ पिछले दिनों सोशल मीडिया पर छाए रहे क्योंकि सोशल मीडिया में उनकी जमकर आलोचना हो रही थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे T20 मैच में हार के बाद तो उनके खिलाफ लोगों ने खुलकर नाराजगी जाहिर की। किसी ने कहा कहीं राहुल द्रविड़ की कोचिंग में 2007 वर्ल्ड कप में टीम उनकी कप्तानी से पहले दौर से बाहर हो गई थी, वैसा ही 2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भी ना हो जाए। और जाहिर सी बात है जब भी टीम इंडिया खराब परफॉर्मेंस करती है कोच से लेकर कप्तान तक को इसका कसूरवार ठहराया जाता है, और ऐसा ही इस बार कोच राहुल द्रविड़ के साथ हो रहा है। आलोचनाओं में सिर्फ क्रिकेट फैंस ही शामिल नहीं है, कुछ पूर्व क्रिकेटर्स ने भी राहुल द्रविड़ को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। पार्थिव पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि हार्दिक पंड्या को जो आजादी जो अप्रोच आशीष नेहरा की कोचिंग में मिलती है वैसी राहुल द्रविड़ के साथ नहीं मिल रही है। राहुल द्रविड़ हार्दिक पंड्या को उस तरह सपोर्ट नहीं करते हैं। राहुल द्रविड़ की आलोचना की वजह यह है कि टीम इंडिया का प्रदर्शन, टीम इंडिया पिछले कुछ समय से औसत प्रदर्शन करती दिखी है। 2006 के बाद से यह पहला मौका है जो वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम किसी भी फॉर्मेट में दो मैच लगातार हार गई है। इसके अलावा भी हार के आंकड़े भारी है। 2021 में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप हारी थी, इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में उसे हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने उसे टेस्ट और वनडे सीरीज दोनों में हराया। एशिया कप में भी टीम इंडिया के खाते में हार ही आई। 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी बुरा हाल रहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज गंवानी पड़ी और हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने उसे बुरी तरह हराया। वेस्टइंडीज के मौजूदा दौरे में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन उस दर्जे का नहीं दिखा है जैसा अपेक्षाकृत कमजोर वेस्टइंडीज के खिलाफ होना चाहिए। एक वनडे और दो T20 मैचों में तो उसे हार का भी सामना करना पड़ा है। इन सभी मैचों में प्रयोग की भरमार दिखी है। अब सवाल ये है कि द्रविड़ प्रयोग कर रहे हैं या प्रयोग करना उनकी मजबूरी है। सच्चाई ये है कि वर्ल्ड कप से दो महीने पहले भी भारतीय टीम की स्थिति कई महीनों में लचर रही है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब तैयार रखने के लिए प्रयोग करना जरूरी है। ये बात अभी कोई नहीं बता सकता कि चोट से वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह कितने दिनों में फिट हो पाएंगे। पिछले दो मौके पर जसप्रीत बुमराह की मैदान में वापसी और उसके बाद हालात क्रिकेट फैंस भूले नहीं होंगे। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में तो उनका नाम भी ऐलान हो गया था, उसके बाद एक भी मैच खेले बिना ही वो टीम से बाहर हो गए। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों की फिटनेस अब भी क्लियर नहीं है। लगातार प्रयोग, जरूरत से ज्यादा खिलाड़ियों को मौके देना, एक के बाद एक नई नई कप्तान हार की एक बड़ी वजह रही है। BCCI ने एक ही समय पर बहुत सारे मुकाबले प्लान कर लिए हैं। एशियन गेम्स भी इसी दौरान होना है। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक खेले जाने वाले एशियन गेम्स के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को टीम की कमान सौंपी गई है। मुसीबत यह है कि इतने सारे टूर्नामेंट के लिए टीम तो तैयार करनी ही है, हर टीम के संतुलन का भी ध्यान रखना है। इसमें द्रविड़ का क्या कसूर? कुछ साल पहले तक राहुल द्रविड़ नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी NCA की कमान संभाल रहे थे। वहां से एक के बाद एक बेहतरीन खिलाड़ी भारतीय टीम को मिल रहे थे। ऐसा कहा जाता था कि युवा खिलाड़ियों के लिए द्रविड़ के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, वो हमेशा युवा खिलाड़ियों की मदद करते थे। ऐसे खिलाड़ियों की लंबी लिस्ट है। पृथ्वी शॉ, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों से पूछिए, वो बताएगा कि राहुल द्रविड़ होने का क्या मतलब होता है। ये भी सच है कि शुरू शुरू में द्रविड़ कोच की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें शायद अंदाजा था कि बतौर कोच सुर्खियों में रहने के बाद ये सब दिन उन्हें देखने को पड़ सकते हैं। अफसोस, अभी करीब 2 साल ही बीते हैं। आज द्रविड़ को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। बड़ा सवाल ये है कि द्रविड़ जैसे सुलझे हुए क्रिकेटर के दिल पर क्या बीत रही होगी।